इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर इकबाल टाउन में माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान के मुनक़दा प्रोग्राम में तहरीक का मंशूर और 11 अगस्त 2022 यौम अकलियत पर जिना का पाकिस्तान अवामी रैली की तैयारियों के सिलसिला में चेयरमैन MAP अकमल भट्टी का इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि हुकूमत ने अकलियतों के लिए इंतखाबी असलाहत, कम सन बच्चियों की जबरी तब्दीली, मजहब पर पाबंदी लगाने के मुतालबे को नज़रअंदाज करके बदसलूकी की है, जिसे टास्क फोर्स बनाने और सियासी दमचलों को अहदे देने जैसे हथकंडों से दुरुस्त नहीं किया जा सकता। अब अमले इकदाम उठाना नागजीर है। हम अकलियतें सबसे ज्यादा गुरबत और पसमानदगी का शिकार हैं। शदीद महंगाई ने गरीब अकलियतों से उनका आखिरी लुकमा छीन लिया है। मुश्किल, तकलीफदा और खतरनाक जिस्मानी मशक्कत और शदीद मेहनत के बावजूद अकलियती लोगों की जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं। माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान इनकलाबी तहरीक है, जिसकी बुनियाद शहीद शहबाज भट्टी के खून पर रखी हुई है। अपने लोगों के बावकार, सियासी तशख्खुस, खुशहाली और महफूज मुस्तकबिल के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। ये प्रोग्राम मैप रावलपिंडी के सदर फयाज सलीम भट्टी, पास्टर हनू को दीगर तंजीमी साथियों की मेहनत से कामयाब हुआ। प्रोग्राम में मरकजी ऑर्गेनाइजर अनोज भट्टी, सदर मैप इस्लामाबाद आसिफ जान, पादरी शमीर आसिफ, पास्टर यूसुफ और दीगर तहरीकी साथियों ने भी शिरकत की। शुरका प्रोग्राम में जिना का पाकिस्तान अवामी रैली में भरपूर शिरकत का वादा किया।